हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो पेनी स्टॉक के बारे में, जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं और वेल नोन ब्रांड के इनके प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इस शेयर का नाम है एसटी मीडिया। एसटी मीडिया इज़ एन मास मीडिया कंपनी इन बेस्ड इन दिल्ली इंडिया। इट हैज़ होल्डिंग्स इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। एसटी मीडिया फ्लैगशिप न्यूज़पेपर ये हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान इनके न्यूज़पेपर बेचती है। सेकेंड मोस्ट वाइडली रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया आफ्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद ही हिंदुस्तान टाइम्स ही बिकता है इंग्लिश मीडिया। और ये मिंट बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक ये भी चलाते हैं, डिजिटल मीडिया चलाते हैं। इट हैज़ ऑल्सो पब्लिश्ड मिंट एंड इंडियन फाइनेंशियल डेली। 56 मिलियन रीडर्स हैं इनके, नॉट जस्ट रीच बट द रियल कनेक्शन। 56 मिलियन रीडर्स, 169 मिलियन यूजर्स एंड 31 मिलियन लिसनर्स। तो इनके न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड लिसनिंग, इनके स्टोरी टेलिंग में भी ऐप है, तो हम इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। वी पावर सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंट, डिजिटल एंड रेडियो प्लेटफॉर्म। देखो हम इनकी लार्जेस्ट प्रिंट मीन्स हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान ये न्यूज़पेपर, और डिजिटल मीडिया में मिंट और रेडियो प्लेटफॉर्म पे इनके रेडियो स्टेशंस हैं, फीवर FM, नजा, और ये मिंट ये सब्सक्रिप्शन बेस पे काम करता है। इनके देखते हैं पोर्टफोलियो में क्या क्या है। डिजिटल न्यूज़ में हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव हिंदुस्तान, लाइव मिंट, और प्रिंट में हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट, और रेडियो में फीवर FM, रेडियो नशा, रेडियो वन, फैब मार्केट, फैब प्ले। लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट में हेल्थ शॉर्ट, देसी मराठी, और जॉब्स में ये shine.com को भी होल्ड करते हैं। जैसे इन्फोएज naukri.com को होल्ड करता है, वैसे shine.com को HT मीडिया होल्ड करती है, और पॉडकास्ट में HT स्मार्टकास्ट। तो ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो अच्छा खासा है, वेल नोन ब्रांड्स हैं इनके। और इस शेयर का प्राइस है अभी 35 रुपीज़ ओनली। इसने पिछले एक साल में अपना 92% के रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। 21 में ये 10 फेब 2021 में शेयर का प्राइस चल रहा था 18.35 रुपीज़, और अभी चल रहा है 35 रुपीज़। अभी भी ये पेनी स्टॉक की लिस्ट में है। इसने मैक्सिमम रिटर्न 67.17%, ये शेयर डाउन है। ऑल टाइम में इसने अपने शेयर होल्डर को लॉस करवाए। ये शेयर 2005 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, उस टाइम पे इसका प्राइस था 107, और ये 200 के ऊपर जा चुका था, और ये अभी चल रहा है 35 रुपीज़ पे। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 814 करोड़। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये बहुत रिस्की कंपनी रहती है। चलिए तो चलिए, नहीं तो उधर ही 10 साल होल्ड करके रह जाएगा। इसका फेस वैल्यू है 2। ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है। इसका 52 वीक लो है 17 रुपीज़, 52 वीक हाई है 37 रुपीज़। और हम अभी आते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 69%, FIIs के पास है 2.06%, पब्लिक के पास है 26%। तो इसमें FIIs, DIIs भी इन्वॉल्व है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, 69% ही होल्ड कर रहे हैं प्रमोटर। अभी हम इनके सेल्स और एक्सपेंडिचर देखते हैं। 21 में ही, दिसंबर 21 में इनका सेल है 244 करोड़, और एक्सपेंडिचर है 221 करोड़, इंटरेस्ट है 10 करोड़, ये इनके ऊपर डीबिट भी है, और इनका नेट प्रॉफिट है 28 करोड़। ये 21 में ही अभी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, 28 करोड़। सितंबर क्वार्टर में इन्हें 6 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अभी 28 करोड़। तो अच्छी खासी ग्रोथ है शेयर में, नेट प्रॉफिट में। और इस कंपनी के ऊपर डेबिट है 8.36 बिलियन डेबिट। इस कंपनी के ऊपर 4.82 बिलियन का कर्जा था, अभी बढ़ के 8.36 बिलियन का हो गया है। तो इनका डेबिट भी बढ़ रहा है। तो इस शेयर का डेबिट आप कंटिन्यूअस क्वार्टरली क्वार्टर चेक कीजिए, फिर बाद में इन्वेस्ट कीजिए। ये पेनी स्टॉक है, ये कितने भी भाग सकते हैं और कितने भी गिर सकते हैं, इसका कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नेक्स्ट स्टॉक है हरवाइन। ये किचन फर्नीचर, लाइफस्टाइल बेटर बनाने का काम करते हैं, ये फर्नीचर में काम करते हैं। हरवाइन इज अ मैन्युफैक्चर एंड आर्किटेक्चरल हार्डवेयर ऑफ ग्लास फिटिंग विच प्रोवाइड कंप्लीट सोल्यूशन टू रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर। नियरली 5 डिकेड, ये 5 डिकेड से कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल के लिए ग्लास फिटिंग
एस्थेटिक के लिए, एस्थेटिक में ये अच्छा खासा आर्किटेक्चर करके, इनोवेशन करके अच्छे खासे डिजाइंस बनाते हैं आप, थोड़ा आगे देख सकते हैं। वर्ल्ड का क्लास क्वालिटी हैव इनेबल टू सस्टेन अ लीडरशिप। हरबाइन हैज़ एन इंटरनेशनल प्रेजेंट विथ थ्रस्ट ग्लोबल सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट। ये ग्लोबली भी बिजनेस करते हैं आपका। इसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी 109 रुपीज़ पे। इसने पिछले एक सालों में 51% के रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को। ये पिछले 5 सालों में इसने 994% के रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को, 200% पर ईयर। इस शेयर का प्राइस था 2018 में 9.98 रुपीज़ और आज चल रहा है 109 रुपीज़। आप देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूअसली अपर सर्किट है। ये भागती हुई ट्रेन में आप मत चढ़िए, ये शेयर होल्ड करने दीजिए, फिर बाद में आप इन्वेस्ट कीजिए। ये अभी अपर सर्किट लगा है, कुछ हो गया तो इसमें लोअर सर्किट भी लगेगा और आप टॉप पे एंट्री लेंगे तो आप बाद में लॉस में ही आ जाएंगे। तो आप इस शेयर को भागने दीजिए, आप चलती ट्रेन को पकड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये पेनी स्टॉक है मगर इसने अभी बहुत रनअप ले लिया है, सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करना। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये शेयर कभी भी डाउन भी आ सकता है। हम अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। प्रमोटर के पास है 74.85%, तो 75% प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं अभी, और पब्लिक के पास है 25%। अभी हम आते हैं कंपनी के रेवेन्यू पे। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 18 करोड़, 19 में 42 करोड़, 20 में 11 करोड़, डाउन हो गया था अभी कोविड की वजह से, और 21 में 57 करोड़। तो इन्होंने एक अच्छी खासी ग्रोथ की है अभी रेवेन्यू में। अभी नेट प्रॉफिट चेक करते कंपनी का। कंपनी 2018 से 20 तक इन्होंने कुछ भी प्रॉफिट नहीं किया, जीरो, और अभी 21 में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अभी ये शेयर प्रॉफिट में आ रहा है, तो आप इसके बारे में और डिटेल में स्टडी कीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कीजिए, बाद में इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये शेयर आपको अच्छा लगता है तो इस कंपनी के बारे में डिटेल स्टडी कीजिए, फिर बाद में इन्वेस्ट करना, अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना। ये पेनी स्टॉक है, ये अभी अपर सर्किट लगा है, इसमें कभी भी लोअर सर्किट भी लग सकता है, तो संभाल के इन्वेस्ट करना इसमें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।